बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल की फिल्म कमांडो 3 को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म को सिनेमा पर्दे पर 29 नवंबर को रिलीज किया गया था। कमांडो 3 की सफलता पर विद्युत जामवाल और गुलशन देवैया ने मीडिया से बातचीत की। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हर बार मैं कुछ भी इंसिडेंट होता है ना हिंदुस्तान में, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने इंडिया पे बॉम्ब फेंक दिया, सो जर्नलिस्ट क्यों पूछते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, इतने लोग मरे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये सवाल रिडिकुलस है, बहुत बुरा लगता है। जब बॉर्डर में लड़ाई होती है बहुत बुरा लगता है, जर्नलिस्ट को ये सवाल बंद कर देने चाहिए कि कैसा फील हो रहा है कि रेप हो गया, कैसा फील हो रहा है, रॉन्ग क्वेश्चन। सो मैडम आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई एम कमिंग टू यू, हाउ डू यू फील दैट एंड व्हाट डू यू थिंक, उससे मूवी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? ये सवाल ही भाई याद है, हम बेनिफिट के लिए करते नहीं है कोई चीज़, होए ना होए वो किस्मत की बात है। सो सॉरी मैम, I do not concur with your question. नहीं, हम दोनों की इस बारे में बात हुई थी दिन में यार। हाँ, बात हुई थी। And we just explained to you how I feel and how he feels. यार, मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ, कलरी पाइट। मैं देश से उतना जुड़ा हूँ जितना और कोई जुड़ा हुआ है। मेरे फादर, मेरे ग्रैंड फादर, मेरे मामा ताया सब हिंदुस्तानी आर्मी के लिए काम किए हैं। मेरे मामा की डेथ हुई है 1971 वॉर में। तो मुझसे ये सवाल पूछना कि आपने किसी को नीचा दिखाया नहीं दिखाया, ये गलत है, पहली बात ये। बट चूंकि मैं रेसलर्स, बॉक्सर्स, कबड्डी प्लेयर्स, खो खो प्लेयर्स, हिंदुस्तानी हर एथलीट की बहुत तहे दिल से इज्जत करता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ जाने अनजाने में अगर गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और माफ़ी के साथ ये भी बोलता हूँ कि आगे कभी फिल्मों में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कभी ऐसा ना हो कि किसी के इमोशन को हर्ट फील हो। बट इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये बोलना, वो तो मतलब किसी का इमोशन, मतलब आजकल किसी भी बात पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, और इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, तो सब ये तो मुश्किल है ना, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ क्रिएटिव चीज़ कर ही नहीं पाएंगे, तो somebody is going to feel bad. मेरा कहना ये है कि आप प्लीज़ चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में देखिए। मैं आपके बात बताऊँ, जैसे लाइक बॉडी बिल्डर्स, मैं बहुत इज्जत करता हूँ हिंदुस्तानी बॉडी बिल्डर्स की, अगर कभी बॉडी बिल्डर से मुझे लड़ना पड़ जाए और उसको हराना पड़ जाए तो उसको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। बट जाने अनजाने में अगर कभी कुछ हो जाता है, आगे तो पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे गलत फहमियाँ ना हो। क्या मैं कमांडो 4 का हिस्सा बनना चाहूंगा? मैं कमांडो अभी मैं आगे लेके जाऊंगा कमांडो को, ये संन्यास ले रहे हैं अभी, आगे मैं और अंगिरा और अदा जो है कमांडो 4 को आगे, इनका बेटा बड़े होकर कमांडो 4 प्ले करेगा। करेक्ट, जो तुम्हारी तरह दिखेगा जी। तो स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है? नहीं यार, अभी कुछ नहीं हुआ है, थॉट आएगा उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। इस बार और मेहनत करने की जरूरत है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और मेहनत करेंगे। अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, बट ये कन्फर्म्ड है कि कमांडो 4, 5, 6 आएगी। मुझे पता नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करूं इस फिल्म से, और इस फिल्म को देखकर लोग क्या सोचेंगे, तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं उतरा था। मैं कुछ नया करना चाहता था, और करने की अनुमति भी दी थी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने, कुछ हद तक फ्रीडम दिया था इस रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। तो मैं जानना चाह रहा था कि लोग इसको देख के उनका रिएक्शन कैसा रहा, कैसा होगा। तो बहुत अच्छा रहा, तो जामवालियन से तो मुझे बहुत प्यार मिला, लोगों ने पसंद किया है मेरे इस काम को। तो मेरे इस साल में ये दूसरी पिक्चर है, तो एक्शन फिल्म है, एक मर्द को दर्द नहीं होता, उसमें भी लोगों ने बहुत मेरे डबल रोल को पसंद किया था, इसमें भी। तो ये दो तीर तो मैंने मार लिए इस साल के लिए, अभी देखना है कि आगे वाले जो 2020 में कितने तीर मारूंगा। सो इट्स बीन फैंटास्टिक, आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल आर लविंग इट सो मच। यार, एक सीरीज में काम करने का सबसे जो अमेजिंग एक्सपीरियंस ये होता है कि जब सेकंड पार्ट में आते हैं तो जो भी क्रू होता है उसको पता होता है कि आपने पहले मेहनत की है, रिजल्ट्स प्रूव हो चुके हैं, सो एवरीबडी हैज़ टू गिव इन 100%। थर्ड पार्ट में भी यही हुआ। सो अपनी सीरीज में काम करने का अलग आनंद तो है फॉर श्योर, और जब उसको सक्सेस मिल जाए और हर आदमी बोलने लगे कि उनको मजे आ रहे हैं, यू फील लाइक यू हैड एन अचीवमेंट। यार, हमारी फिल्म में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे मर्द के साथ लड़कियों ने भी उतना ही उम्दा एक्शन किया है। सो देयर आर टू गर्ल्स हु फॉट ब्रिलियंटली इन द मूवी। जब आप फ्रेंचाइज बनाते हैं तो आपको मेरे ख्याल से जहन में रखना पड़ता है कि हर पार्ट या तो बहुत इंटरलिंक्ड हो या बिल्कुल अलग हो। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि एक थर्ड पार्ट में एक अलग स्टोरी लाई जाए जो नेशनल इंटेग्रिटी, पेट्रियटिज्म के ऊपर हो, एंड हम लोग कामयाब हुए लोगों को एकजुट करने में, जो बहुत अच्छी बात है।